हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्रोशियो का बटरफ्लाई बनाना बताऊंगी। ये देखें, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम धागे को लॉक कर लेंगे और फिर फोर चैन की रिंग बना लेंगे। धागा लॉक हो गया, अब हम फोर चैन की रिंग बना लेंगे। ये रिंग कंप्लीट हो गई, अब हम फोर टाइम्स चैन लेंगे, 1 2 3 4। अब हम जैसे डबल क्रोशेट लेते हैं, ट्रिपल क्रोशेट जैसे हम लेते हैं, वैसे उसके लिए हम तीन बार नीडल पर धागा फोल्ड करते हैं, बट हमें दो ही बार धागा फोल्ड करना है और गैप में जाना है। धागा लेते हुए बाहर आना है, फिर पहले दो में से धागा बाहर निकालेंगे, फिर धागा लेते हुए फिर दो में से बाहर आएंगे, फिर धागा लेते हुए दो में से बाहर आएंगे। फिर से हम नीडल पर टू टाइम्स धागा फोल्ड करेंगे, गैप में जाएंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे, सेम उसी तरह हमें थ्री टाइम्स करना है। ये टू टाइम्स कंप्लीट हो गया। लास्ट ये देखें, अब हम फिर से फोर चैन लेंगे, 1 2 3 4। अब अटैच कर लेंगे। अटैच हो गया, अब ये एक पत्ती कंप्लीट हो गई है, एक तरफ का उसका पार्ट कंप्लीट हुआ। अब फिर से हम सेकेंड अटैच करेंगे यहाँ पर, ये सेकेंड पत्ती के लिए। ये सेकेंड स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए हमने फिर से अटैच किया। अब फिर से फोर चैन लेंगे, 1 2 3 4, और अपनी उंगलियों की मदद से इन सबको एक तरफ खींचेंगे। फिर से हम थ्री टाइम्स सेम इसी तरह यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। टू टाइम्स नीडल पर धागा फोल्ड हो गया, अब हम गैप में जाएंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे, फिर से टू टाइम्स धागा फोल्ड करेंगे, फिर गैप में जाएंगे, फिर से हम फोर चैन लेंगे और अटैच करेंगे। ये एक अटैच हो गया था, अब हमने सेकेंड अटैच किया उसी गैप में। अब यहाँ पर हम फोर फोर चैन ले रहे थे, तो ये दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। अब ये वाला हमें उसी गैप में बनाना है। अब हम थ्री चैन लेंगे, 1 2 3। अब डबल क्रोचेट हम उसी गैप में टू टाइम्स डालेंगे। फिर से हम टू चैन लेंगे, अटैच कर लेंगे।
धागे को फिर से एक नेक्स्ट अटैच करेंगे लास्ट पत्ती बनाने के लिए। फिर से हम थ्री चैन लेंगे, फिर से हम टू टाइम्स डबल क्रोचेट डालेंगे, फिर से हम थ्री चैन लेकर अटैच करेंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब हम बिना कुछ किए धागे को, ये पंखड़ी को ऐसा फोल्ड करेंगे। बैक साइड पर धागा फोल्ड करके अटैच कर लिया। अब चैन लेकर धागा कट कर देंगे, यहाँ पर इसे लॉक करके बैक साइड में हम अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब अपोजिट कलर का एक धागा लेंगे, आप सेम भी ले सकते हो। थोड़ा धागा यहाँ से ऐसे बाहर रखकर यहाँ से हमें बैक साइड से ऐसे फोल्ड करना है 2-3 times। फोल्ड करने के बाद इसका सिमिलर धागा काट लेंगे। ये देखें, अब यहाँ पर हम 2 या 3 times नट दे देंगे। थोड़ा टाइट बांधना है ताकि वो खुले ना। 1, अब चाहो तो 2 times भी दे सकते हो, या आपका धागा एकदम ज़्यादा सिल्क है तो उसे 3 times देना। ये हो गया, अब इसे सीधा कर लेंगे। और ये धागा बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको थोड़ा काट लेंगे।